चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री राइट। तो ये चैप्टर अपने को इंट्रोड्यूस किया गया था 10th स्टैंडर्ड में इज़न इट। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके हैं हम। इनफैक्ट अपन बोर्ड्स क्लास में कंपाउंड एंगल्स फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब कवर कर चुके हैं बोर्ड्स क्लास में ठीक है। तो जो हमने बोर्ड्स में कवर नहीं किया जो JEE का जो सिलेबस में जो है वो अभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में कवर करेंगे ठीक है। तो पहली बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है राइट। व्हाट डू वी डू इन ट्रिग्नोमेट्री राइट। एनीवे ट्रिग्नोमेट्री ये जो टर्म है इट इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स राइट। ये ट्राई एक वर्ड है गॉन इज अनदर वर्ड और मेट्री इज अनदर वर्ड। सो देयर आर थ्री वर्ड्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मींस थ्री गॉन मींस एंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में वी डील विथ मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मोर ऑर लेस या रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ठीक है। सो वी ट्राई टू लिंक द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल विद द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड ऑफ कोर्स वी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू जस्ट अ ट्रायंगल। वी ऑल्सो एक्सपैंड यू नो आवर डिस्कशन टू यू नो समथिंग मोर देन अ ट्रायंगल है ना। तब हम बोलेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं रहेंगे those become trigonometric functions ठीक है। तो अच्छा तो measurement of angles of a triangle isn't it। तो पहले बात अपने को कुछ चीजें पता होना चाहिए triangle में what exactly is that let's see। if we consider a triangle say ABC ना तो ये अपना usual notation रहेगा। we consider side opposite to vertex A as small a side opposite to vertex B as small b side opposite to vertex C is small c और ये जो एंगल रहेगा एंगल A रहेगा कैपिटल A और ये भी कैपिटल B और ये कैपिटल C ठीक है। अच्छा सो प्रोबब्ली द वेरी फर्स्ट रिलेशन बिटवीन यू नो साइड्स देमसेल्फ इज कि सम ऑफ एनी टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन ये 100% श्योर होना चाहिए तब जाके वो ट्रायंगल बनेगा। अच्छा सम ऑफ टू साइड्स इफ इट वाज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड तब क्या होगा। इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड देन एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तब वो कोलिनियर हो जाएंगे शायद ये तीनों पॉइंट्स वर्टेक्स ए बी सी एक्चुअली बिकम कोलिनियर है ना। दोनों का सम इक्वल टू थर्ड होता दे बिकम कोलिनियर द थ्री वर्टेक्सेस। अगर दोनों का सम लेस देन थर्ड साइड होता वैसे भी वो पॉसिबल ही नहीं है इम्पॉसिबल है वो ठीक है। एनीवे सेकेंड पॉइंट दैट वी आर सपोज टू नो कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स शुड ऑलवेज बी लेस देन थर्ड साइड और डिफरेंस का मतलब ये एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए माने इसका मॉड्यूलस क्योंकि ए बी से बड़ा हो सकता है या ए बी से छोटा भी हो सकता है तो उनका magnitude of difference should always be less than third side. So sum is greater than third side. Difference is less than third side. Okay. Third relation. Okay. What else are we supposed to know? Yeah. See. अच्छा अगर ये isosceles triangle होता मान लो ABC. See ये isosceles triangle है where AB is equal to AC. Then we know कि इस साइड का ऑपोजिट एंगल और इस साइड का ऑपोजिट एंगल बीच में आपके भी इक्वल इज़ इट माने इट इज गिवन टू अस कि ए बी इज इक्वल टू ए सी तो ए बी का ऑपोजिट वर्टेक्स सी ऑपोजिट एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी ये दोनों इक्वल होना चाहिए राइट। टू साइड्स आर इक्वल व्हाट इफ one side is greater than the other side मान लो AB is greater than AC
if AB were greater than AC, if AB was greater than AC, उसका मतलब उस opposite side will also follow the same relation, opposite angle, sorry. तो AB का opposite angle C है, तो angle C should be greater than AC का opposite angle B, angle B. So angle C is greater than angle B, right? ये सब हो चुका है ना, 9th 10th में हो चुका है, तो बस आप लोगों को नोट करना है. ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस, से वी कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल. लेट्स कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल एट बी से, ठीक है. सो व्हाट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वी नो, पाइथागोरस थ्योरम. Isn't it? What does it say? E AC square is equal to AB square plus BC square. Is it? Say for example, हमने vertex A को theta consider कर लिया, ठीक है? We have considered vertex A as angle theta, ठीक है? With respect to this angle theta, BC is opposite side, AB is adjacent side, and AC is hyperdimension, right? Adjacent, opposite and hyperdimension. तो हम जानते हैं कि sin theta जो है, sin theta का definition opposite upon hyperdimension. हमने sin theta is basically BC upon AC. What about cos theta? Adjacent upon hyperdimension, ये भी जानते हैं, which is basically AB upon AC. And what about tan theta? Tan इन दोनों का रेशियो है, या सिंपली ऑपोजिट अपॉन adjacent, BC अपॉन AB, राइट? तो बेसिकली ये दोनों प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस है, बाकी सारे डिराइव्ड है बाय यूजिंग दिस, ठीक है? जैसे कि साइन और कॉस का रेशियो टैन होता है, सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, विच इज AC अपॉन BC, और cos का reciprocal secant which is AC upon AB, और tan का reciprocal cot which is AB upon BC, ठीक है? अने ये सब आप जानते हैं ना, of course I know that. So of course you know using this will try to derive identities, all the three identities. पहला आइडेंटिटी क्या है आप जानते हैं आगे. फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो हाउ डू वी गेट दिस? वेरी सिंपल, कि साइन थीटा इज बीसी अपॉन एसी, कॉस थीटा इज एबी अपॉन एसी, दोनों इसमें डिनोमिनेटर में एसी चाहिए. तो हमने क्या किया, इस रिलेशन में दोनों तरफ से हमने एसी से डिवाइड किया, AC square से डिवाइड किया, तो LHS 1 हो जाएगा, और RHS में AB upon AC का square plus BC upon AC का square, और AB upon AC के जगह cos, और BC upon AC के जगह sin से replace किया, ultimately we get कि sin square theta plus cos square theta is 1. अच्छा, इसका और other forms भी है, क्या है वो, कि sin square is 1 minus cos square, and cos square is 1 minus sin square, ठीक है? Which will be using again again and again, ठीक है? दूसरा identity sec और tan के terms में, what is that? The secant square theta minus tan square theta is equal to 1, और third वाला cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1, right? तो I hope कि सब लोग जानते हैं identities. अगर नहीं जानते तो प्लीज यू नो दिस इज लाइक यू नो हाई टाइम जो यू मेमोराइज दिस आइडेंटिटीज, है ना? अब तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, राइट? ये सब पता होना चाहिए अपने को, दैट यू नो ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, राइट? इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एंगल, इज इट, थीटा इज द एंगल हियर. तो पहले हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे.
राइट अच्छा टिल टेंथ वी यूज्ड टू मेजर एंगल इन डिग्री स्केल इज इट सो देयर आर बेसिकली थ्री स्केल्स यू नो व्हिच वी हैव बीन यूजिंग फॉर इयर्स नाउ वो है डिग्री स्केल जो हम जानते हैं और दूसरा है सेंटीग्रेड स्केल जो स्केल अभी ऑब्सोल्यूट हो चुका है मैंने बहुत पुराना है और यूज भी नहीं करते बस अपने को पता होना चाहिए और तीसरा स्केल है जो मोस्ट यूज्ड स्केल है आजकल विच इज रेडियन स्केल जो हमने इंट्रोड्यूस किया था अपना बोर्ड क्लास में ऑलरेडी ठीक है वो सब आया कैसे उसका क्या कहानी है वो देखते हैं ना लेट्स हैव अ रफ व्यू ऑफ दो स्केल्स राइट तो पहले बात कि एंगल होता क्या है व्हाट इज एंगल एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन राइट एंगल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना रोटेट किया आपने उसको हम बोलते हैं एंगल राइट जैसे कि ये देखो ये इनिशियल पोजीशन है किसी लाइन सेगमेंट का हमने इसको रोटेट किया राइट एंड यू सी वी हैव रोटेटेड ए बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन So only anti-clockwise direction. If you rotate in anti-clockwise direction, तभी ये जो angle है ये positive रहेगा. मैंने anti-clockwise sense is considered to be positive. And अगर आप AB को नीचे की तरफ rotate किया होता, then the angle would have been negative, right? If you want to go try angle का मतलब amount of rotation है ना? Clockwise sense sorry. ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव ऑब्वियसली क्लॉकवाइज सेंस वुड बी नेगेटिव ठीक है इसमें आते पहला सिस्टम The पहला स्केल विच इज डिग्री स्केल राइट क्या डिग्री स्केल में हमने एक राइट एंगल को ऑफकोर्स इन दिस स्केल या इन दिस यू नो सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्रीज ऑब्वियसली तो इसमें क्या है वन राइट एंगल जो है वो होता है 90 डिग्रीज या इन शॉर्ट 90 डिग्रीज ऐसे सिंपल है वन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री ठीक है तो फिर वन डिग्री कितना होता है ऑफकोर्स वन डिग्री जो है इट कैन फर्दर बी स्प्लिट इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स वो भी अपने को पता होना चाहिए कि वन डिग्री कैन फर्दर बी स्प्लिट इनटू 60 मिनट्स एंड वन मिनट इज 60 सेकेंड्स ठीक है तो बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड्स डिग्री स्केल में ठीक है तो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री ये अपना क्या बोलते हैं मेजरमेंट है एंड फर्दर वन डिग्री कैन फर्दर बी स्प्लिट रिटन इन इनटू मिनट्स वन डिग्री 60 मिनट्स एंड वन मिनट इज 60 सेकंड्स ठीक है तो लेट्स ट्राई क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सिंपल सा क्वेश्चन कन्वर्ट 3.25 डिग्रीज इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स इसको आपको डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है 3.25 डिग्रीज इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स सो ऑब्वियसली ये 3.25 डिग्रीज का मतलब 3 डिग्रीज प्लस 0.25 डिग्रीज इज इट तो ये 3 डिग्रीज बेसिकली वैसे है अब ये 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60 सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिनट्स वो डेसिमल वाला पार्ट जो है वो 1 डिग्री नहीं है उससे कम है तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे
0.25 into 60। अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 degrees। हाउ मच विल दिस बी? 1500 आएगा, लेकिन उसमें दो डेसिमल की वजह से दो जीरोस कैंसिल हो चुके हैं। मैंने दिस सिंपली गिव्स यू 15 मिनट्स, 3 degrees and 15 minutes। अच्छा कितने सेकेंड्स है फिर इसमें? 0 seconds एक्स्ट्रा, 3 degrees and 15 minutes। इसको वैसे भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। फिर डिग्री स्पीड में एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, एंड 1 degree 60 minutes एंड 1 minute 60 seconds, बस इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड सिस्टम इज ग्रेड स्केल। अच्छा इसमें क्या है, इस सिस्टम में कि वन राइट एंगल जो है इट इज इक्वल टू 100 degrees। डिग्री स्केल में वन राइट एंगल वॉज इक्वल टू 90 degrees, यहां वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 degrees, क्योंकि राइट एंगल इसमें 100 degrees ऑन टॉप ऑफ इट, 100 degrees 100 g। अच्छा ये सिस्टम क्यों है, इससे क्या फायदा है बेसिकली? ये देखो हर चीज को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ये यू नो इट लुक्स गुड इजंट इट। ये देखो ये 3.25 जो था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली डेसिमल पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। कि हर चीज को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स वेरी सिंपल, इजंट इट? इसलिए देखो इसका जो है सेंटीग्रेड है 100, इजंट इट? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। Anyway, further, grades can further be divided into minutes. कि वो conversion क्या है? कि one grade is 100 minutes and 1 minute is 100 seconds. इसमें हर चीज 100 से multiply होता है, basically. Right? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि वन राइट एंगल इज 100 degrees इसमें, ठीक है। लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन रेशियो। एक्सप्रेस 12.3456 ग्रेड इन ग्रेड मिनट्स एंड सेकंड्स, grades, minutes and seconds. Very simple. इसमें देखो ये ऑलरेडी 12 ग्रेड है, 12 ग्रेड तो ऑलरेडी है, बस आपको सेपरेट करना है डेसिमल वाला पार्ट, विच इज 0.3456। तो क्या है कि एक ग्रेड 100 मिनट्स होता है, तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.3456 इनटू 100, दिस विल गिव यू इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। तो ये होगा 12 ग्रेड्स प्लस 34.56 मिनट्स। अच्छा इसमें क्या है कि फर्दर ये 34 मिनट्स जो है, ये 34 मिनट्स तो है, रिमेनिंग पार्ट जो है 0.56, इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, अगेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली वी गेट 56, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर होगा 12 ग्रेड्स 34 मिनट्स एंड 56 सेकंड्स। देखो कितना इजी था ये कन्वर्जन, तो ये 12 ग्रेड्स 34 मिनट्स 56 सेकंड्स, प्रीटी सिंपल, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल, विच इज रेडियन स्केल। थर्ड वाला विच इज रेडियन स्केल।
small c. Okay. So रेडियन स्केल का बेसिक कन्वर्जन ये है कि इन दिस स्केल, इन दिस सिस्टम, वन राइट एंगल इज इक्वल टू, एक्चुअली टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू पाई रेडियंस, बट एनीवे वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय टू रेडियंस. वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई अपॉन टू रेडियंस. रिमेंबर पाई एक नंबर है, पाई इज एन इरेशनल नंबर हुज वैल्यू इज 3.14 या 22/7. अगर आपने ऊपर रेडियस लिखा तब जाके ये एंगल बनेगा. एनीवे तो ये बेसिक कन्वर्जन है. लेकिन ये आया कैसे? व्हाट एग्जैक्टली इज रेडियन? व्हाट एग्जैक्टली इज वन रेडियन? इसका ओरिजिन क्या है? कि बेसिकली से वी हैव अ सर्कल, लेट्स कंसीडर अ सेक्टर, ठीक है? से मान लो उसका एंगल है थीटा, राइट? से लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर एंड लेंथ ऑफ द आर्क बी एल, right? So we know a very important relation between r, l and theta. What is that? We know ki length of r is radius multiplied by angle, isn't it? So from this theta is actually l upon r. So ye jo formula se aapko jo angle milega ye radian scale mein hota hai actually. So number upon number actually gets cancelled. So the number which we get, sorry, SI weight इन दोनों का cancel हो जाएगा और जो भी चीज मिलेगा आपको वो radian scale में होता है angle. So in other words, one radian is angle subtended by an arc at the center whose radius is r and length is also r. देखो अगर l becomes equal to r, length of arc becomes equal to radius, तो r upon r gets cancelled, we get 1. और ये basically होता है 1 radian. तो ये और ये equal है, ये तीनों भी equal है, तब जाके ये 1 radian होगा, right? तो right? So anyway तो ये वाला कन्वर्जन हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन. हाउ? मान लो आपने थीटा से 180 कंसीडर किया, मान लो थीटा से इज 180 डिग्री से, और इफ यू कंसीडर थीटा ये वाला, अगर आपने यहां कंसीडर किया तो ये हम जानते हैं कि ये वन राइट एंगल हो गया. दिस इज वन राइट एंगल, ये वन राइट एंगल है. तो इसके हिसाब से ये जो है दिस इज 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस. सो दिस इज बेसिकली 1/4 ऑफ 2 पाई आर, ठीक है? तो थीटा इज 1/4 ऑफ 2 पाई आर अपॉन आर, आर गेट्स कैंसिल. सो थीटा जो है वो हाउ मच इज दिस? पाई अपॉन 2. और ये नंबर ये जो भी मिलेगा आपको रेडियस में मिलेगा, राइट? सो वन राइट एंगल इज पाई अपॉन 2 रेडियस. Anyway, इसका कोई मतलब नहीं. I mean it's not that important. Yeah, ये वाला important है. L is r theta. Theta is L upon r. Most important relation ये है कि one right angle is pi upon 2 radians. तीनों के बीच का क्या रिलेशन है? सो वन राइट एंगल इज 90 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू डिग्री स्केल, 100 ग्रेड अकॉर्डिंग टू ग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, एंड पाई अपॉन 2 रेडियंस अकॉर्डिंग टू रेडियंस स्केल. सो दिस इज द बेसिक कन्वर्जन बिटवीन ऑल द थ्री, ठीक है?
ये पता होना चाहिए आपको। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफकोर्स रिमेंबर, ये तो एब्सोल्यूट है, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, ये ग्रेड स्केल पर। तो अपना मोस्टली डिस्कशन रहेगा डिग्री स्केल और रेडियन स्केल के बीच में, और ये यूजुअली हम ऑलरेडी कर चुके सॉरी हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, बोर्ड क्लास में कवर किया था। बट एनीवे कि वन रेडियन कितना होगा डिग्री स्केल में, कि वन रेडियन इसका मतलब टू ऊपर चले जाएगा पाई नीचे, सो वन रेडियन वुड बी 180 अपॉन पाई डिग्री, इज इट। और अगर आपने पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया which is 3.14 या 22/7, ultimately we get 57.3 degrees, है ना, very important relation, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। One radian is 57.3 degrees. चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे इसमें, देन विल वाइंड अप दिस चैप्टर, सॉरी विल वाइंड अप यू नो डिस्कशन अबाउट स्केल्स। ओके राइट, कन्वर्ट 40 ग्रेड्स इनटू डिग्री स्केल एंड रेडियन स्केल, इसको डिग्री स्केल और रेडियन स्केल में कन्वर्ट करना है। ओके तो आपको बस यही रिलेशन यूज करना है, we just have to use the same relation कि अगर आपको degree scale में convert करना होता, तो very simple कि 100 degrees is 90 degrees, ठीक है, इसका मतलब एक grade is 90 upon 100 degrees, लेकिन आपको 40 grade का चाहिए, तो 40 से multiply करेंगे, 40 into 90 upon 100 degrees, अल्टीमेटली 36 डिग्री, ठीक है, और रेडियन स्केल, रेडियन स्केल का क्या रहेगा, ये बता, अगेन यू सी 100 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियंस, तो वन ग्रेड कितना रहेगा, पाई अपॉन 200 रेडियंस, तो आपको 40 ग्रेड फाइंड करना है, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 के कैंसिल, तो ये रहेगा पाई अपॉन 5 रेडियंस, इजी क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे convert degree into radians, पहला 12 degree और दूसरा 30 degree, anyway ये देखो from this 1 degree is pi upon 180 radians, ठीक है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और 1 रेडियन इज, सो डिग्रीज टू रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, सो 12 इनटू पाई अपॉन 180, सो पाई अपॉन 15 रेडियंस, राइट, 30 डिग्री तो आप शायद से डायरेक्टली जानते हैं, राइट,
पाई बाय सिक्स If three angles of a quadrilateral are 60 degrees, 60 degrees, phi pi upon 6 radians, then find the fourth angle, then find the fourth angle in degree scale, find the fourth angle in degree scale, yeah, in degrees. ऐसे कर लो, तीन एंगल्स है अपने पास और फोर्थ एंगल फाइंड करना है। बस अपने को एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 और क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्रीज, ठीक है। और वैसे तो उन्होंने पूछा डिग्री स्केल में, ये ऑलरेडी डिग्री स्केल में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री स्केल में, इसको भी कन्वर्ट करेंगे डिग्री स्केल में। ये देखो, रेडियन को डिग्री स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली रिप्लेस पाई बाय 180, पाई को 180 से रिप्लेस करेंगे तो आपको डिग्री स्केल में मिल जाएगा, ठीक है। और चारों एंगल्स का सम 360, उसे आप फोर्थ एंगल फाइंड कर पाओगे। हो जाए। लास्ट क्वेश्चन।